नमस्कार न्यूज सेवेन रे स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम को स्वागत करुछ अनिरुद्ध। ये स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम अतिथि होती बॉलीवुड एक्टर थिएटर पर्सनालिटी शर्मन जोशी एवं स्क्रीन प्ले राइटर डायलॉग राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मनीष किशोर जी। शर्मन जी, मनीष जी, बहुत सर स्वागत न्यूज सेवन में। शर्मन जी, आपसे ही शुरू करते हैं जी। आपके पिता अरविंद जोशी थिएटर से जुड़े थे, आपकी आंटी, आपकी बहन, आपके कजिन सब थिएटर से जुड़े थे। आपने शादी भी किया तो प्रेम चोपड़ा जी की लड़की से। बचपन से क्या मन बना लिए थे कि नहीं, मुझे बनना है तो एक्टर ही बनना है और मुझे दिखाना है, आगे जाना है? अब मेरा ख्याल है बचपन से ही पहला इंस्टिंक्ट यही था कि मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जैसे आपने कहा, मेरे फादर थिएटर से, अरविंद जोशी राइटर डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर है, बेहतरीन काम किए उन्होंने। बट वो हमेशा मुझे ये भी समझा देते कि लाइन की इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, तो जो भी करूँ सोच समझ के करूँ। कोई पाबंदी नहीं थी किस किस्म का मैं करियर चूज़ करूँ। डैड की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जो भी आप करो वो पूरा मन लगा के करो। मेरे बैकअप प्लान्स में ये भी था कि मैं लॉ पढ़ना चाहूँगा और इफ़ नथिंग देन ऑल्सो बी ओपन टू बींग अ बिजनेसमैन। आपकी मूवी आ रही है काशी इन सर्च ऑफ गंगा, आप किरदार निभा रहे हो काशी की, आपकी बहन को ढूंढ रहे हो गंगा को, तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए जी। इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, इट्स एन एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ अ थ्रिलर। इट्स वेरी यूनिक इन इट्स प्लॉट। आई थिंक इट्स नेवर बीन टोल्ड स्टोरी एंड बिकॉज इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन इट्स नेचर इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट, इफेक्टिवली द कैरेक्टर्स आर दैट कॉम्प्लेक्स। धीरज कुमार जी डायरेक्शन दे रहे हैं जी। मनीष एंड धीरज जी आर आई मीन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड कुलीग्स एंड देव गॉट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। मनीष इज़ द राइटर ऑफ द फिल्म, धीरज जी इज़ द डायरेक्टर। मनीष जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने खुद लिखे भी हो, ये फिल्म नदी से रिलेटेड ये है नहीं, बनारस शहर से रिलेटेड उतना है नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये अलग कैसा है? गंगा बिकता है, नाम बिकता है, इसीलिए नाम जुड़े हैं या ऐसा क्या है? वो काशी से तो लेना देना है क्योंकि हमारा कैरेक्टर काशी है और हमने शूट बनारस में किया है, ये नहीं कह सकते कि काशी से लेना देना नहीं है। अच्छा। और गंगा से भी लेना देना है क्योंकि हमारे हमने जितना शूट किया है वो गंगा के आसपास किया है, लेकिन हमारा कैरेक्टर जो है काशी इन सर्च ऑफ गंगा। और ये फिल्म जो है एक्चुअली फिल्म का कुछ रिवर्स से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी या किसी तरीके की स्टोरी से कनेक्ट नहीं है, वो कनेक्शन नहीं है बेसिकली। लेकिन अदरवाइज अब बनारस को शूट कर रहे हैं बनारस में शूट कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि काशी से कुछ लेना देना नहीं है। काफ़ी फिल्में आई हैं पहले भी, राम तेरी गंगा मैली आप देखेंगे 1985 में आई थी, फिर बाद में आई बनारस, ऐसे काफ़ी नाम मतलब जुड़े हैं गंगा या बनारस के ऊपर। ये फिल्म अलग कैसा है? जैसे आप सस्पेंस थ्रिलर इतना तो पता है, कई लेयर्स हैं, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन सस्पेंस थ्रिलर में भी एक ऐसी कहानी है जो लोगों ने सुनी नहीं है, जो लोगों ने देखी नहीं है, तो इसलिए हमारा कन्विक्शन है कि जो हमने बनाया है वो औरों से बेहतर है और उससे बढ़िया है। प्रमोशन भी आपने ज़बरदस्त किए हैं दुबई से लेके भुवनेश्वर तक, आपकी कोशिश ये है कि वहाँ पे लापता वाली वो पोस्टर पकड़ के, आपने भी शर्मन जी ने भी वो इंटरव्यू भी दिए हैं मीडिया को, तो प्रमोशन के हिसाब से आप मतलब ये जमाना है सब प्रमोट करते हैं इसलिए, क्योंकि आप स्ट्रेटेजिकली जा रहे हो तो आप वो कैसे दिख सकते हो, वो प्लान बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है कि औरों से अलग दिखना, बेहतर दिखना। पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो इसी की कीमत लेते हैं कि आपको एक ऐसा प्लान दें जो आई बॉल्स खींच सके, जो लोगों को थिएटर तक पहुंचा सके। कहीं हमने ये सुना है कि आपने बोला कि नहीं, मुझे पहले बनारस को समझने दो, यहाँ के जो लाइफस्टाइल है उसे, यहाँ के लोग क्या करते हैं, इस शहर को समझने दो। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको बहन की जो पोस्टर लापता वाली पोस्टर वो भी पकड़ के इंटरव्यू दियो, तो ये आपकी एक वर्क जैसे कल्चर है कि नहीं, हर फिल्म से पहले मैं किरदार को समझता हूँ, ये टाइम लेता हूँ, या फिर इसके लिए आप स्पेशली कुछ एफर्ट लिए हो? नहीं, इसीलिए मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी, बिकॉज एक तो नंबर वन मैं बनारस कभी गया नहीं हूँ और हम लोग चाह रहे थे कि डायलेक्ट यूज़ करें हम लोग यूपी का बनारस का, तो वो डायलेक्ट का एक ऑलरेडी हम लोग बॉम्बे में उसकी तैयारी कर ही रहे थे,
लेकिन मुझे एक्चुअली वहाँ पे एक महीना नहीं, तो 4-5 दिन पहले शूटिंग गया था वहाँ पे, और एक्चुअली लोकल्स वहाँ के कैसे बात करते हैं उसका एक 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 फील लेना था मुझे, तो वो एक काम ज़रूरी था। दूसरी बात ये कि ये कैरेक्टर डोम का है, डोम इज़ द गाइज टू परफॉर्म द फाइनल राइट्स, तो आई डिडंट नो देयर वर्ल्ड, सो आई जस्ट वांटेड टू गेट अ सेंस ऑफ जस्ट बी अराउंड देम, तो एक फील आ जाता है कि यू नो बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे वो लोग रहते हैं। तो ये दो चीज़ें मुझे खास करके एक यू नो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना था, तो उस वजह से 4-5 दिन पहले गया था बनारस, और बहुत फ़ायदेमंद रहा फाइनली इस कैरेक्टर को निभाने के लिए। आप तो बचपन से थिएटर से जुड़े हो, फिर आपके फैमिली भी कल्चर है, मतलब थिएटर कल्चर है, आप फिल्मों से भी 1999 से हो, लेकिन आपकी पहचान सही माने में जो पहचान है वो लोग आपने नोटिस करना चालू किया इतना 3 इडियट्स में, वहाँ पर आपके किरदार बहुत अच्छा था, तब से अब तक जर्नी कैसा है? ऑल इज़ वेल, गॉड इज़ बीन काइंड, इससे ज़्यादा मैं कुछ चाह नहीं सकता हूँ। जो है फिलहाल आई एम वेरी कंटेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद, एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू पुश द एनवेलोप एंड इम्प्रूव अपॉन माई सेल्फ एंड देन इफेक्टिवली माई वर्क, वो कोशिश जारी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अब तक हुआ है हासिल कर पाया हूँ उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विधु विनोद चोपड़ा के साथ आपने काम भी किए हैं 3 इडियट, तो वहाँ पे आमिर खान थे, आर माधवम थे, उन लोगों के साथ काम करके, तो ये अलग है कि नहीं, सब एक जैसे हैं ऐसा कुछ है, स्पेशल है? बहुत स्पेशल है, सुपर स्पेशल है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत ही मज़ा आया दोनों के साथ काम करने में। आप इंडियन आइडल में काम किए हो, क्राइम पेट्रोल में भी काम किए हो, आप मतलब काफ़ी स्ट्रगल किए हो, जैसे शर्मन जी की स्ट्रगल तो सामने आ जाती है, अमिताभ बच्चन की स्ट्रगल आ जाती है, कलाकार जो है उनकी स्ट्रगल आ जाती है, जो लिखने वाले शब्दकार डायलॉग निकले वाले प्रोड्यूसर उनकी स्ट्रगल काफ़ी मायने में, जैसे हम लोग देखते हैं कि उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, वो कहानी सामने नहीं आई, तो आपकी स्ट्रगल कैसी रही? मैंने शुरू किया अपना बेसिकली मुझे मीडिया में कुछ करना था, बचपन से ही तय था, 8-9 स्टैंडर्ड से वहाँ हमारे इधर रीजनल चैनल्स थे कुछ, उस पर मैंने पटना से तो वहाँ बतौर एंकर अंतराक्षी शो है उसमें एज अ उसमें पार्टिसिपेंट बन के शुरुआत की। मेरे घर वालों ने रियलाइज़ किया कि यार ये करेगा नहीं कुछ और, इसको मैथ्स फिजिक्स समझ आता नहीं है, तो मेरे फिर फादर ने मुझे मास्कॉम इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया, जहाँ पे उसके पहले मेरा परफॉर्मेंस एजुकेशनली बहुत अच्छा नहीं था, वहाँ जाके काम करने लगा। उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में शुरुआत हुई इंटर्नशिप की, धीरे 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 काम के हिसाब से आगे बढ़ा, लेकिन अल्टीमेट ड्रीम था कि मक्का पहुंचना है, मतलब बॉम्बे एंटरटेनमेंट का मक्का का है, तो वहां पहुंचना है, मेहनत करता रहा, खुद ही रास्ते बनते चले गए, फाइनली पहुंच गए, संघर्ष किया बहुत ज़्यादा, बिना संघर्ष के कुछ हासिल होता नहीं। एक सच्ची चीज़ बताइए, एक छोटे शहर या गाँव से प्रतिभा है लड़के में या लड़की में, वो फिर जाके वहाँ पे करियर बनाना चाहते हैं, ये कितना संभव है कि कोई छोटे गांव से या शहर से जाके वहाँ पे स्ट्रगल करे, मुंबई में जाके वहाँ पे एक्टर बन जाए, या फिर उसको लोग माने कि नहीं ये लड़का या लड़की काम कर सकते हैं? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, इफ़ यू हैव द कन्विक्शन, इफ़ यू हैव द बिलीफ इन योर सेल्फ, एंड इफ़ यू हैव लक ऑन योर साइड, गॉड बाय योर साइड, हैपन, यू हैव टू हैव फेथ, यू हैव टू हैव द ऑफ कोर्स जेन्यूनली दिल की आवाज़ होनी चाहिए कि आप एक्चुअली अचीव कर पाएंगे, आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो फिर आप सफ़र ही करेंगे, लेकिन ये सारी आपको ऑफ कोर्स आवाज़ें आए दिल की, उसके बावजूद एक तैयारी के साथ ज़रूर जाना है कि अगर मान लो आप फेल भी हो जाते हो, ये यकीन होने के बावजूद कि आप कुछ कर पाओगे, समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट, तो वो फेलियर को हज़म करने की तैयारी के साथ ही आए, और बस फिर पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपके केस में शायद आप यू आर बॉर्न विथ ए समवॉट सिल्वर स्पून इन योर माउथ, क्योंकि मुंबई में पैदा हुए, आपके घर के लोग थे, थिएटर से जुड़े थे, तो उतना शायद आपको संघर्ष, डेफिनेटली मेरे फादर तो आए थे मतलब बॉम्बे मेरे ग्रैंडफादर के साथ शिफ्ट हुए, और उन्होंने किया, उनका पैशन था, उस वक्त तो टेलीविज़न भी नहीं था, सिर्फ थिएटर था या सिनेमा थे, तो माई फादर चूज टू डू थिएटर एंड ही एंजॉयड हिज लाइफ। अभी तक जितना भी आपने अचीव किए हो, ये इसमें से संतुष्ट हो और ये कहे कि ऊपर वाले जहाँ पना तुसी ग्रेट हो? मैं कहीं मिडल ऑफ द पाथ पे हूँ,
आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, फॉर वॉट एवर मुझे ये गिफ्ट नहीं देते तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। दूसरी बात ये, अपने आप को मैं थोड़ी बहुत क्रेडिट देता हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, लेकिन ये दोनों चीज़ें मतलब होने के बाद ही ये संभव हो चुका। अब तक की जर्नी से मैं बहुत खुश हूँ और आगे चाहता हूँ कि और भी अच्छा काम करूँ, और उसके लिए ऑफकोर्स भगवान की कृपा होना ज़रूरी रहेगा। हम आशा करते हैं आप दोनों की जो सपने हैं, जो आशाएं हैं, वो जल्दी भगवान या ऊपर वाला आपको मेहनत को देखते हुए जल्दी आपको वो फुलफिल करें। आप दोनों को ऑल दी बेस्ट, और काशी इन सर्च ऑफ गंगा पूरा छप्पर फाड़ के बिजनेस करें। थैंक यू सर, थैंक यू।